हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे टेस्ट जो कि इकोनॉमी का है, एनसीईआरटी से ही है और ये है फिजिक्स वाला का। तो ठीक है, ये टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले भी हमने टेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो इसके पहले के अगर आपने टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। तो चलिए, टेस्ट नंबर 5 है, पार्ट 1 है इसका। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्ष जो है 1955 में गठित कार्य समिति का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? भारी उद्योगों के लिए औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना, या फिर लघु उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक संगठनात्मक पैटर्न की जांच करना, या भारतीय अर्थव्यवस्था पर राज नियंत्रण की प्रक्रिया को विनियमित करना, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर करिए आप लोग। जी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सही होगा बी। तो इसका उद्देश्य था लघु उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक संगठनात्मक पैटर्न की जो है जांच करना। ठीक है, पहला पहला गलत है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मितव्ययिता और विरोधाभास का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो देखिए, इसमें कहा, पहला ऑप्शन है, इसमें कहा गया है कि आर्थिक मंदी के दौरान व्यक्ति अधिक बचत करने के लिए कोशिश करते हैं जिससे कुल मांग में गिरावट आती है। दूसरा है, वास्तविक मजदूरी में कमी से फर्मों के मुनाफे में वृद्धि नहीं होगी और इसके बजाय रोजगार में गिरावट आएगी। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा बल्कि कर्ज का बोझ बढ़ेगा। चौथा है, मतलब डी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मितव्ययिता का मतलब होता है, इसमें कहा गया कि आर्थिक मंदी के दौरान व्यक्ति अधिक बचत करने की कोशिश करते हैं जिससे कुल मांग में गिरावट आती है। तो जैसे क्या होता है, ठीक है, जैसे कि जब भी आर्थिक मंदी मंदी होती, इन्फ्लेशन होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, बजट करेगा ही बिल्कुल। तो उसे मांग में, मतलब डिमांड में गिरावट है, डिमांड तो करेगा नहीं। जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आप कम से कम डिमांड का सामान खरीदोगे ना, इसका मतलब मार्केट में डिमांड कम होगी। तो यही इसका मतलब है। और तीसरा है, निम्नलिखित में से किसे स्थानांतरण भुगतान माना जाता है? उपहार, छात्रवृत्ति, पेंशन, या किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी? कौन सा उत्तर सही है? 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, या 1, 2, 3, 4? देखिए, स्थानांतरण भुगतान क्या होता है? देखिए, सरकार के फर्मों की ओर से परिवारों को किए जाने वाले हस्तांतरण भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जो भुगतानकर्ता द्वारा कोई सेवा प्राप्त किए बिना किए जाते हैं, मतलब कोई सेवा प्राप्त किए बिना ही किए जाते हैं। ये किसी व्यक्ति या संगठन को एक तरफा भुगतान है जिसमें इसके बदले में कोई वस्तु या सेवा नहीं दी जाती है, इसका आदान प्रदान नहीं किया जाता। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे उपहार, इसको देने के बाद आपके से कोई थोड़ी ना कुछ लिया जाएगा ना, कि छात्रवृत्ति, और छात्रवृत्ति भी है, पेंशन भी है। और ये चौथा इसमें नहीं होगा, किसानों को दी जाने सब्सिडी, ये नहीं होगा। बाकी हो जाएगा 1, 2 एंड 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सरकार की ओर से चालू हस्तांतरण विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, शुद्ध कारक आय और निजी क्षेत्रों को मिलने वाले शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय उपरित में से कितने निजी आय के घटक हैं? देखिए, निजी आय का मतलब क्या होता है? तो ये वह आय होती है जो देश के भीतर और बाहर सभी स्रोतों से निजी क्षेत्र को प्राप्त होती है, मतलब प्राइवेट कंपनीज को, तो मतलब प्राइवेट को। ठीक है, निजी क्षेत्र से मिलने वाले शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त कर कारक है। इस प्रकार आपका आंसर जो होगा तीनों के तीनों ही सही होगा। सरकार की ओर से चालू हस्तांतरण और ये सभी तीन सभी जो है निजी के घटक है, विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय और निजी क्षेत्रों को मिलने वाले शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय सभी होंगे। ठीक है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, जिबूती, इरिट्रिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज, सुडान, मोजाम्बिक, बुरुंडी। उपरोक्त सूचीबद्ध देशों में से कितने में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का विस्तार है? केवल 3, केवल 4, केवल 5, या सभी 6 में? तो देखिए किसमें किसमें है। तो ये पूछ रहा है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का विस्तार।
तो देखिए, ये पृथ्वी की सतह पर सबसे व्यापक दरारें होती हैं, रिफ्ट वैली, जो पूर्वी अफ्रीका के हिस्से में फैली हुई है। आपने देखा होगा अफ्रीका ऐसे है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन है ना, ऐसे ये अफ्रीका है, मान लो यहाँ से ऐसे कटा हुआ ऐसे दिखेगा अपन, जहाँ जिबूती वगैरह है ना, देखा होगा आपने, तो देखेंगे तो वहां पर रिफ्ट वैली है। तो ये बताइए यहाँ पर कौन कौन से देश है। तो देखिए इसमें है कौन कौन से देश हैं, एक तो जिबूती है, जिबूती है, इरिट्रिया है, और कांगो गणराज्य भी है, और इसमें जो है सूडान, सूडान नहीं है, और मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक भी शायद नहीं है, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है, और बुरुंडी, बुरुंडी भी है, मतलब 1 2 3 4 5, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी, मतलब केवल सूडान छोड़ के सारे देश आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब मॉनिटरी पॉलिसी। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में नगद आरक्षित अनुपात का उपयोग करता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। या तीसरा है, आरबीआई द्वारा हर साल एक बार नीति की समीक्षा की जाती है, एक बार। कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, सिक्स का पहला। देखिए इसमें गलत है, क्योंकि जो आरबीआई होता है, नगद आरक्षित अनुपात बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों में से एक है। हालांकि रेपो दर की प्रमुख मौद्रिक नीति निर्णयों को मार्गदर्शन और निर्देशित करती है, तो मुख्य उपकरण नगद आरक्षित अनुपात का होता है। तो ये पहला गलत है, और मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो देखिए, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य होता है विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य को स्थिर रखना, ना कि बढ़ावा देना। आरबीआई द्वारा हर साल एक बार नीति की समीक्षा की जाती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वर्ष में जो है कम से कम 4 बार बैठक करती है ये मॉनिटरी पॉलिसी, तो ये भी गलत है। तो मतलब इसमें गलत पूछा है, तो सभी के सभी गलत है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, भारत में वित्तीय बाजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वस्तुओं की कीमतों का अन्वेषण करना, लेन देन की लागत में कमी करना, बजट का संक्रमण। ऊपर इतने से कौन सा कार्य वित्तीय बाजारों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, 1 2 2 3, 1 3 या 1 2 3। देखिए वित्तीय बाजारों को निष्पादित करने के लिए देखिए वस्तुओं की कीमतों का अन्वेषण भी होता है, लेन देन की लागत में कमी, बजट का संक्रमण, मतलब तीनों के तीनों चीजें बिल्कुल ही सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार करना है। पहला है, बोर्ड की प्राथमिक भूमिका भारत में बीमा बाजार की निगरानी और विनियमन करना है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, स्कोर से निवेशकों के लिए इसकी वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है। फिर कितने कथन सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। 8वें का आंसर आपका हो जाएगा, इसमें 2 सही है, पहला गलत है। इसमें देखिए जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में की गई थी, और इसका जो है ठीक है, तो इसका नियामक एजी एडीआई जो होता है, IRDA एडीआई जो होता है, भारत में बीमा बाजार का प्राथमिक नियामक है, ना कि ये आपका जो है आरबीआई, ठीक है, ये है। तो ये है, और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये सही है, इस कोर्स निवेशकों के लिए इसकी पेप आधारित शिकायत निवारण है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS योजना के संदर्भ में कौन सा मतलब कथन पर विचार कीजिए। योजना के अंतर्गत बाहर निकलने के समय उपलब्ध लाभों को परिभाषित किया गया है, इस पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। निवासियों के साथ साथ अनिवासी भारतीय भी इस योजना में भाग ले सकते हैं, कौन सा कथन गलत है, 1 2, 1 3, 2 3 या 1 2 3। देखिए इसमें गलत पूछा है, तो इसमें जो है 9 का ये हो जाएगा, देखिए एक मिनट, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पेंशन, इसके अंतर्गत बाहर निकलने के समय उपलब्ध लाभों को परिभाषित किया गया है, ठीक है,
देखते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो के तहत व्यक्ति अपने सेवानिवृत्त खाते में अंशदान देता है और उसका नियोक्ता भी व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा कल्याण में अंशदान कर सकता है। एनपीसी परिभाषित अंशदान के आधार पर डिजाइन किया गया जिसमें ग्राहक अपने खाते में अंशदान करता है और जो है और एनपीसी जो है एनपीएस को परिभाषित अंशदान के आधार पर डिजाइन किया गया जिसमें ग्राहक अपने खाते में अंशदान करता है। बिल्कुल सही बात है। योजना के बाहर निकलने के समय कोई निश्चित लाभ उपलब्ध नहीं होता है तथा संचित धन किए गए अंशदान तथा ऐसे धन और निवेश उत्पन्न आय पर निर्भर करते हैं, तो लाभों को ऐसा परिभाषित नहीं किया गया है तो ये गलत हो जाएगा। इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो देखिए एनपीसी को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित तो विनियमित किया जाता है जो कि पेंशन निधि योजनाओं के ग्राहकों के हित के लिए ये सही है। निवेशकों के निवासियों के साथ साथ अनिवासी भारतीय भी योजना में भाग ले सकते हैं। तो एनपीसी में 18 से 60 वर्ष के निवासी और निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध है जो कम लागत वाले कुल लचीले और पोर्टेबल सेवानिवृत्त बचत खातों में निवेश करते हैं। ये भी सही है। इसमें गलत पूछा तो केवल एक गलत हो, ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं। मुझे लग रहा है गलत की जगह सही पूछा है, यहाँ पर सही लिख दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका 2 एंड 3 राइट, क्योंकि गलत वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है। और 10वां है भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम का नया संस्करण है। कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी, जापानी इंसेफेलाइटिस और काली खांसी के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जाता है। कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए इसमें पूछा है कौन सही है, तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट 11वां है निम्न में से कौन सा कथन हाशमान उपयोगिता नियम का सही वर्णन करता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करता है प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग उपभोग करता है प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता स्थिर रहती है। किसी वस्तु की उपयोगिता से प्राप्त कुल उपयोगिता सदैव कम होती जाती है क्योंकि उसकी अधिक इकाइयां उपभोग की जाती हैं। जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपयोग को उपभोग को बढ़ाया जाता है वस्तु या सेवा हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। पूछ रहा है कौन सा हाशमन उपयोगिता नियम का सही वर्णन करता है। देखिए डी वाला ही कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है तो वस्तु की सेवा हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। बिल्कुल सही है। बराबर निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, संपत्ति कर, सीमा शुल्क कर, उपहार कर, उत्पाद शुल्क। ऊपर इनमें कितने को कागजी कर कहा जाता है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चारों। कागजी कर किसे कहा जाता है? बताइए। देखिए कभी भी बड़ी मात्रा में राजस्व जिन पर नहीं लिया जाता उन्हें कागजी कर कहते हैं। इसमें संपत्ति कर होगा और ये आपका उपहार कर होगा, तो ये आंसर हो जाएगा बी, केवल दो। और 13 है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके पूरक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु की मांग आमतौर पर उसके स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत की दिशा में बढ़ती है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 13 को हो जाएगा बी, केवल दो सही है, पहला गलत है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके पूरक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। नहीं, देखिए जब पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो एक साथ उपयोग की जाती हैं, जैसे चाय के साथ चीनी। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दोनों वस्तुओं का एक साथ उपभोग करने की कुल लागत बढ़ती है या आमतौर पर दोनों वस्तुओं की मांग में कमी की ओर ले जाता है क्योंकि उपभोक्ता अधिक महंगी संयोजक की खपत कम कर देगा। अगर दोनों चीजें के दाम बढ़ जाएगी, चीनी चाय के, तो लोग कम चाय चीनी का खाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको एक साथ दो चीजों के दाम बढ़ते मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण सृजन के संदर्भ में केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित साधन पर विचार कीजिए। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि या पूंजी पर्याप्तता अनुपात में तहत दायित्व में वृद्धि।
उपरितन से कितने तरीके भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण सृजन में सीमा के रूप में कार्य कर सकते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ऐसे विचारों। ऑप्शन तो पता होगा, देखिए सभी के सभी होंगे। ऑप्शन डी, कैटा टुम्बो आकाशीय बिजली नामक प्राकृतिक घटना के कारण कौन सा देश समाचारों में रहा है? इक्वाडोर, वेनेजुएला, ब्राजील या पेरू? तो वो रहा था न्यूज में आपका वेनेजुएला, ठीक है, या आकाशीय बिजली नामक प्राकृतिक घटना। जैसे इसमें क्या होता है, कैटा टुम्बो में आकाशीय बिजली का एक मनमोहक प्राकृतिक घटना है जो वेनेजुएला में कैटा टुम्बो नदी पर घटित होता है। और ये है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जीडीपी और डिफ्लेटर से भिन्न हो सकता है क्योंकि जीडीपी अवस्फीति मतलब डिफ्लेशन के विपरीत सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल की जाती हैं। सीपीआई जीडीपी डिफ्लेटर की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप है। कौन सा सही उत्तर है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर पहला हो जाएगा, और दो पहला जो सही है और दूसरा सही है। देखिए सीपीआई में, सीपीआई में क्या होता है, आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई बोलते हैं ना, और यह उन उपभोक्ताओं व्यय को दर्शाता है जो घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित दोनों प्रकार की होती हैं। और हालांकि जीडीपी डिफ्लेटर केवल देश और भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, आयातित वस्तुओं को इसकी गणना से बाहर रखा जाता है। इसलिए पहला तो सही है। और सीपीआई जो होता है जी डिफ्लेटर की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप है। तो देखिए देखिए नहीं, ये नहीं है अधिक व्यापक, ये सीपीआई नहीं है, ये बोल रहा है सीपीआई, ये डब्ल्यूपीआई के बारे में बात कर रहा है। जीडीपी मूल्य डिफ्लेटर जो होता है वो सीपीआई की तुलना में अधिक माप पर होता है। तो ये ठीक है, तो ये गलत। और भारत में कार्यबल के वितरण के बारे में भी कथन में विचार कीजिए। स्वनियोजित श्रमिक कुल कार्यबल का उच्चतम प्रदर्शित प्रतिशत दर्शाते हैं। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में आकस्मिक मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या अधिक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक बड़ा अनुपात आकस्मिक श्रम कार्य में लगा हुआ है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। इसका पहला और तीसरा सही है। ये स्वनियोजित श्रमिक कुल कार्यबल का उच्चतम प्रदर्शित करते हैं। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में आकस्मिक मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या अधिक है। नहीं, बल्कि ग्रामीण में अधिक है, तो ये अपोजिट है। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक बड़ा अनुपात आकस्मिक कार्य श्रम कार्य में लगा ही भी सही है। निम्नलिखित कथन विकल्पों पर विचार कीजिए। पूंजीगत लाभ है, बेरोजगारी बीमा है, रिवर्स रेपो दर है, व्यक्तिगत आयकर है, प्रगतिशील निगम कर है। ऊपर में से कौन कौन किसी अर्थव्यवस्था के राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में स्वचालित स्थिरीकरण का कार्य करता है? 1 4 5, 2 4 5, 1 3 4 5 या उपर्युक्त सभी? तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का हो जाएगा ये बेरोजगारी बीमा होगा, और व्यक्तिगत आयकर होगा, और प्रगतिशील निगम कर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 19वां, वेस्ट नाइल फीवर के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। एक परजीवी के कारण होता है, लोगों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, यह मनुष्यों में घातक तंत्रिका संबंधी बीमारी का कारण बन सकता है। कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, ये सभी तीनों कोई नहीं। देखिए ये परजीवी कारण नहीं होता है बल्कि एक वायरस के द्वारा होता है ये, तो ये हो जाएगा पहला गलत। और लोगों के लिए टीकाकरण उपलब्ध नहीं है, तो बिल्कुल सही है, इसके लिए भी टीका नहीं है। और मनुष्य में एक घातक बीमारी है ये, जो तंत्रिका संबंधी बीमारी कारण बनता है, ये भी सही है, तो इसमें केवल एक गलत है, ऑप्शन ए। गैर योजनागत व्यय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रक्षा व्यय इसी श्रेणी में आता है, इसमें ब्याज भुगतान का हिस्सा सबसे बड़ा है। उपरी कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। 20वां हो जाएगा सी, दोनों के दोनों सही है। 21 है, औपनिवेशिक काल के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में कृषि में कार्यबल की हिस्सेदारी बढ़ी है। आधुनिक उद्योग ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में अपनी स्थापना शुरू की। भारत के विदेशी व्यापार की प्राथमिकता विशेष पर्याप्त निर्यात अधिशेष का सृजन करना था। कौन सा कथन सही है? दो, तीन, एक, तीन, एक, दो या उपर्युक्त सभी? देखिए इसमें जो है पहला तो सही है, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में जो है कृषि कार्यबल की हिस्सेदारी बढ़ी है, ये सही है। और दूसरा जो है ये गलत है,
आधुनिक उद्योग में 20वीं सदी की शुरुआत में भारत ने अपनी स्थापना शुरू की थी। तो देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही आधुनिक उद्योग ने धीरे धीरे भारत में जड़ें जमा ली थी, जिनकी शुरुआत कपास और जूट कपड़ों मिल से हुई थी, तो ये गलत है। और भारत में विदेशी व्यापार की प्राथमिक विशेषता पर्याप्त निर्यात अधिशेष का सृजन करना था, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 3 इज राइट, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सी आर्थिक अवधारणा उस आवृत्ति को संदर्भित करती है जिसके साथ एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान मुद्रा की एक इकाई एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाती है। धन गुणक होता है, तरलता अनुपात, मुद्रा वेग या मुद्रा लोच होता है। देखिए ये मुद्रा वेग होता है, मुद्रा वेग, देखिए मुद्रा वेग एक माप होता है जो एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की एक इकाई के उपयोग या विनिमय दर को दर्शाता है। यह अवधि के दौरान धन के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के स्थानांतरित होने या वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च होने की आवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। और है इंगला एस के बारे में कौन सा कथन सही है? यह रूस की एक विमान रोधी मिसाइल प्रणाली है, ये क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्य को बेअसर कर सकती है। कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, न तो एक न तो दो। देखिए गलत कोई भी नहीं है, दोनों बातें सही हैं। और है 24, मुद्रा की लेन देन संबंधी मांग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य स्तर के अनुक्रमानुपाती होता है। मुद्रा की मांग अपेक्षा मांग प्रत्यक्ष तौर पर बाजार ब्याज दर से संबंधित होती है। तरलता ट्रैप के मामले में मुद्रा की अपेक्षी मांग का फलन एकात्मक लोचदार होता है। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। ये पहला तो सही है, मुद्रा की लेन देन संबंधी मांग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य स्तर के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। और दूसरा जो है ये गलत है, क्योंकि मुद्रा की जो अपेक्षी मांग होती है ये कीनेसियन अर्थशास्त्री से लिया गया एक शब्द है जिसे परिसंपत्ति और निवेश करने के उद्देश्य से धन प्राप्त करने की इच्छा का वर्णन करता है, तो ये गलत है। और तरलता ट्रैप के मामले मुद्रा की अपेक्षा मांग का फलन एकात्मक लोचदार है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा दो गलत है, ठीक है। और ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में इनके कथन विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वस्तु प्राप्त करता है उसे अधिनियम के तहत उपभोक्ता माना जाता है। वकीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं। और भ्रामक विज्ञापन के लिए सेलिब्रिटी प्रायोजक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और केवल एक सही, दो, तीन या कोई भी नहीं चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण मतलब कंज्यूमर फोरम जो है ये क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें केवल जो है एक सही है। और वो कौन सा है? पहला तो गलत है, कोई भी व्यक्ति जो किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वस्तु प्राप्त करता है उसे अधिनियम के तहत उपभोक्ता माना जाता है। तो जो देखिए जो व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं है वो व्यक्ति निःशुल्क माल प्राप्त करता है, जो निःशुल्क सेवाएं प्राप्त करता है, पुनः पुनः विक्रय या किसी व्यवसाय को देश के लिए माल प्राप्त करता है। तो जो सेवा अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करता है अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई वस्तु का उपयोग शामिल नहीं है जिसे उसने केवल स्वरोजगार के माध्यम से अपने आजीविका कमाने के लिए खरीदा और उपभोग किया है, तो यह नहीं होगा। वकीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो है सेवाएं इसके अंतर्गत होती हैं, जी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वकीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को व्यक्ति के सेवा अनुबंध माना जाता है, इसलिए वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो भ्रामक विज्ञापन के लिए सेलिब्रिटी प्रायोजक ये आते हैं, ये उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग के ऊपर केस भी हो जाता है। निम्नलिखित तो स्थितियों पर विचार कीजिए, अर्थव्यवस्था मुद्रा स्फीति की स्थिति, घरेलू आय में वृद्धि, देश में आर्थिक अनिश्चितता, उच्च ब्याज दरें। उपर्युक्त में से कितनी स्थितियों में अर्थव्यवस्था मुद्रा की मांग बढ़ा सकती है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चारों? इसमें केवल तीन है, पहला सही है, अर्थव्यवस्था मुद्रा स्फीति की स्थिति है, और दूसरा भी सही है, घरेलू आय में वृद्धि भी है, और तीसरा जो है ये भी सही है, देश में आर्थिक अनिश्चितता, और चौथा गलत है, उच्च ब्याज दरें गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, अमूर्त, पूरी तरह मोबाइल या मूल्यह्रास। उपर्युक्त दी गई कितनी विशेषताएं मानव पूंजी की विशेषताएं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। उसमें दो है, पहला जो है ये सही है, अमूर्त है, जो मतलब मानव पूंजी की कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे अमूर्त मूर्ति जैसे पूंजी होती है मूर्त होती है अमूर्त होती है, ठीक है। अमूर्त जिन्हें आप नहीं देख सकते हो, मूर्त जिन्हें आप देख सकते हो, उन सब चीजों को कहते हैं, ठीक है। और
जो ठीक, ये पहला आ जाएगा और पहला सही है, दूसरा गलत है पूरी तरह से मोबाइल, नहीं ये नहीं है, और इसमें तीसरा जो है ये सही है, मूल्यह्रास, तो ऑप्शन हो जाएगा दो सही है। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। खुदरा निवेशकों को अपने स्मार्टफोन पर आसानी सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन करने की सुविधा देता है, या भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल है, कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो गलत पूछ रहा है, तो देखिए ये पहला गलत है। ये देखिए प्रवाह पोर्टल व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए RBI से विनियामक अनुमोदन लाइसेंस और प्राधिकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक केंद्रीकृत सुरक्षित वेब आधारित मंच है, जो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, खुदरा निवेशक या रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच प्रदान करता है और सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, प्रभाव पोर्टल व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए है, तो खुदरा निवेशकों को अपने स्मार्ट, ये खुदरा के निवेशकों के लिए ही नहीं है, तो ये पहला जो है गलत है, और यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल है, तो ये जो है यह रिजर्व RBI की एक पहल है, ये सही है। तो पहला गलत, ये दूसरा सही है, गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन विचार के लिए। मांग की कीमत लोच 1 से कम अनुमानित किया जाता है जब मांगे जाने वाले मात्रा में परिवर्तन बाजार मूल्य में परिवर्तित कम से कम होता है। यदि वस्तु कीमत लोचदार है तो उस पर व्यय कीमत के समान दिशा में बदलता है, कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 29 का बी हो जाएगा गलत, क्योंकि जो है पहला तो सही है, एक होता है, ये दूसरा गलत है। ठीक है, निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। बाह्य वाणिज्यिक उधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंतर सरकारी ऋण और धन प्रेषण, ऊपर इनमें से कौन सा घटक भारत की पूंजी खाते का हिस्सा बनता है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। देखिए वो बनता है पहला बाह्य वाणिज्यिक उधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंतर सरकारी ऋण, धन प्रेषण नहीं बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये है निम्नलिखित में से कौन सा अवसर लागत को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? अवसर लागत को, ठीक है, अवसर लागत के बारे में है भाई। देखिए अवसर लागत से तात्पर्य उत्पादन के आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने की कुल मौद्रिक लागत से है, जिसमें मजदूरी, सामग्री और ऊपरी लागत शामिल है, तो ये नहीं है, गलत है। अवसर लागत जिस अगले सर्वोत्तम विकल्प की कीमत है जिसे चुनाव करते समय भूल जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दूसरा सही है। देखिए अर्थशास्त्र में अवसर लागत का संकल्पना प्रयोग किया है, और किसी कार्य की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 1,000 रुपए हैं और आप शेयर बाजार में दीर्घकालिक प्रतिभूति में निवेश करने का फैसला लेते हैं, तो अवसर लागत का वह लाभ जिसे आप पैसे का सबसे अच्छा वैकल्पिक उपयोग ना चुनकर खो देते हैं, इस मामले में वैकल्पिक विकल्प वायदा से में निवेश करना और कम अवधि में भारी लाभ प्राप्त करना हो सकता है, जबकि अवसर लागतों को पूरी तरह से निश्चित रूप से अनुमानित नहीं लगाया जा सकता, उन्हें ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, तो हो जाएगा आपका बी सही। और भारत की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए। पंचतंत्र, रामचरितमानस, हृदय लोक, लोकाना, ऊपर इसमें से कितनी कृतियों को हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं, ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था, लेकिन तीनों को ही शामिल किया गया। नेक्स्ट है सीमांत उत्पादन संभावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उन वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन को दर्शाता है जिन्हें पूर्व संसाधन उपयोग और वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादित किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि एक वस्तु के उत्पादन को दूसरी वस्तु के उत्पादन को प्रभावित किए बिना बदला जा सकता है, कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है पहला सही है, यह उन वस्तुओं और सेवाओं और संयोजन को दर्शाता है जिन्हें पूर्व संसाधन उपयोग और वर्तमान प्रतियोगी के साथ उत्पादित किया जा सकता है, यह सही है। दूसरा गलत है, यह दर्शाता है कि एक वस्तु के उत्पादन को दूसरी वस्तु के उत्पादन प्रभावित किए बिना बदला जा सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि सीमांत उत्पादन संभावना दर्शाता है कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आमतौर सीमांत संसाधनों के कारण दूसरे के उत्पादन को कम करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक वस्तु के उत्पादन को किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को प्रभावित किए बिना नहीं बदला जा सकता। और है उत्पादन के संतुलन के स्तर के संदर्भ में भी कथन उपचार कीजिए।
यह वह बिंदु है जहां नियोजित कुल व्यय राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। जब यह उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर से कम होता है तो इससे दीर्घकाल में कीमतों में वृद्धि होती है। कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ये पहला है सही। दूसरा है गलत। जब यह उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर से कम होता है तो इसे दीर्घकाल में कीमतों में वृद्धि होती है। तो ये गलत है, क्योंकि देखिए उत्पादन का संतुलन स्तर उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक या कम हो सकता है। यदि यह उत्पादन के पूर्ण रोजगार से कम है तो इसका कारण है कि मांग उत्पादन के सभी कारकों को नियोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी स्थिति की कमी को ही कमी की स्थिति कहा जाता है। इसमें दीर्घकाल में कीमतों में गिरावट आती है। ठीक है, गिरावट आती है ना कि वृद्धि होती है। और निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किसी फर्म की कार्यशील पूंजी पर परिसंपत्तियों को संदर्भित करती है जिनका उपयोग कई वर्षों में उत्पादन में किया जाता है। जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर किसी भी फर्म की कार्यशील पूंजी का भाग है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए दोनों के दोनों गलत है। पहला गलत है। देखिए कार्यशील पूंजी में जो होते हैं फर्म की कार्य देखिए कार्यशील पूंजी में वे परिसंपत्तियां शामिल होती है जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान खपत हो जाती हैं और कई वर्षों तक तो उपयोग नहीं की जाती है। जैसे कच्चा माल, नगद पैसा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो ये गलत है। और जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर फर्म की कार्य पूंजी का भाग है। तो ये जो है दूसरा गलत है, क्योंकि वह पूंजी जो कई वर्षों तक उत्पादन के उपयोग की जाती है उसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। ये देखिए ये जो है ये भी गलत है। तो आप ठीक है। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य नीति विवरणों के संबंध में युग्मों को सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित है बताना है? व्यापक आर्थिक ढांचा विवरण, ये जो है इसमें केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और GDP विकास दर और बाहरी क्षेत्र के संतुलन का आकलन शामिल है। तो ये सही है। और दूसरा है दूसरा सही दूसरा देखते हैं। दूसरा है मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति विवरण। तो ये क्या होता है? देखिए ये जो है गलत है। इसमें व्यक्तिगत कार्यक्रमों गतिविधियों के लिए विस्तृत बजट अनुमान शामिल है। नहीं, देखिए इसमें जो है यह जो है राजकोषीय स्थिरता और राजस्व व्यय के बीच संतुलन के व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। विवरण बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में 5 वर्ष इसका ये है डिफिनेशन। राजकोषीय नीति जो है रणनीति विवरण है, इनमें व्यक्तिगत कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए विस्तृत बजट अनुमान शामिल है। तो अपोजिट दिया है, तो पहला ही केवल सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्तित जो होता है आगत के रूप में परिभाषित की जाती है। एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो दोनों के दोनों कथन इसमें सही है। और नेक्स्ट है 38, मुद्रा जमा अनुपात जिसे CDR के रूप में संबंध मतलब कहते हैं, कौन सा गलत है? तो यह वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा के अनुपात को मापता है। और या फिर देखिए ये तो पहला जो है ये पहला सही है। तो पहला सही है, उच्च CDR यह दर्शाता है कि बैंकों के जो है पास मांग जमा राशि की तुलना में सावधि जमा राशि में अधिक धन होता है। तो ये गलत है। और निम्न CDR जो होता है ये जो होता है इसमें देखिए ये सी वाला ये बी गलत है ना, बी आपको गलत ही तो ढूंढना था, बी गलत मिल गया तो बी गलत है। भारत में 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक सुधार के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, ड्रग्स और फार्माक्यूटिकल के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त नहीं किया गया है। जिसके वित्तीय क्षेत्र पर विदेशी प्रभाव से बचने के लिए बैंकों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी गई। कृषि क्षेत्र में विशेषकर उनके बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश में 1991 के बाद गिरावट आई। कौन सा गलत है? केवल एक, दो, एक तीन, एक दो, दो तीन या केवल दो? इसमें देखिए गलत पूछ रहा है, तो केवल दूसरा गलत है। देश के वित्तीय क्षेत्र पर विदेशी प्रभाव को बचाने के लिए बैंकों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी गई। तो दी गई है ऐसा नहीं है, तो गलत है, ऑप्शन जाएगा डी।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, कोर मुद्रास्फीति, जीडीपी डिफ्लेटर। उपरोक्त में से कितने संकेतकों का उपयोग खाद्य कीमतों के परिवर्तन को मापने के लिए किया जा सकता है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, इक्वली सभी चारों, तीन चार कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तीन सही है। इसमें पहला सही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, दूसरा भी सही है थोक मूल्य सूचकांक है, तीसरा गलत है, इसमें कोर मुद्रा खा ये सब नहीं आते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर है। तो आप समझ जाएगा तीन सही। और है अर्थव्यवस्था के में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में कथन विचार कीजिए। सामान्य वस्तुओं की मांग उपभोक्ता के आय के सीधे अनुपातिक होती है। निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें आय लोड सकारात्मक होता है। किफिन वस्तुओं की मांग इन वस्तुओं की कीमत के सीधे अनुपातिक होता है। कौन सा सही? केवल एक दो, केवल तीन, एक दो तीन, 41। देखिए 41 का केवल तीसरा सही है, पहला जो है गलत है। नहीं, पहला सही है, एक मिनट, पहला सही है। सामान्य वस्तुओं की मांग उपभोक्ता के आय के सीधे आनुपातिक होता है, सही है। और ये जो है दूसरा गलत है। निम्न स्तरीय वस्तुएं जिनमें लोच सकारात्मक होता है, तो घटिया वस्तुओं की मांग को लोच नकारात्मक होता है, न कि सकारात्मक, गलत है। और ये तीसरा सही है, गिफेन वस्तुओं की मांग जो है वस्तुओं की कीमत के सीधे आनुपातिक होता है। तो सही पूछ रहा है, तो 1 3 है, ये लग रहा है यहाँ पर 3 होना चाहिए। अगर 1 3 है तो ये तीसरा सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों विचार कीजिए। भंडार आय लाभ, तो आउटपुट उत्पादन एक कारखाना मशीनें। उपरोक्त कितने स्टॉक चर के उदाहरण है? केवल दो, केवल तीन, केवल चार, सभी सभी पांच। तो इसका हो जाएगा केवल दो, जिसमें से क्या हो जाएगा, पहला सही होगा भंडार और एक कारखाने मशीनें होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक फर्म एक विषम उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करती है। बाजार में खरीदारों की संख्या कम होती है। क्रेता को बाजार में उत्पाद और कीमतों में पूरी जानकारी होती है। फर्म में प्रवेश और निकास जो होता है निःशुल्क होता है। कौन सी विशेषताएं प्रतिस्पर्धा बाजार की है? केवल दो, केवल तीन, सभी चारों, कोई नहीं। 43 का हो जाएगा केवल दो। और इसमें जो होगा ये पहला जो है, प्रत्येक फर्म में एक विषम उत्पाद का बिक्री करती है, तो गलत है। और दूसरा जो है ये भी गलत है, क्योंकि बाजार में खरीदारों की संख्या कम होती है, ये भी गलत है। और इसमें जो होता है तीसरा जो है ये सही है। क्रेता को बाजार में उत्पाद और कीमतों के बारे में पूरी जानकारी होती है। फर्म में प्रवेश और निकासी निःशुल्क होता है, ये दोनों सही है। और है 44। सरकारी उधार के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। इनमें भावी पीढ़ियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इनमें अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में कमी आ सकती है। इनमें अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी बजट बढ़ेगी। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। इसमें पहला गलत है, क्योंकि सरकारी ऋण भविष्य की पीढ़ियों की क्रय शक्ति को प्रभावित कर सकता है या मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये जो होता है गलत है। और दूसरा जो है सही है। इनसे अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में कमी आती है, सही है। और इसमें अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी खपतें बढ़ती हैं, मतलब बजट है। सरकारी उधारी दो कारणों से राष्ट्रीय बजट में कमी ला सकती है, और बहुत सारे कारण हैं इसके। ऋण योग्य निधियों के लिए प्रतिस्पर्धा और निजी निवेश को बाहर कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज दरें होती हैं। तो बहुत सारे रीजन है, तो ये हो जाएगा जो है ये हो जाएगा गलत। इसमें दूसरा सही है, और मतलब एक और आपका तीसरा गलत है। कितने सही है? तो केवल एक सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। और औद्योगिक नीति संकल्प 1965 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस प्रस्ताव में उद्योगों को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए दोनों कथन सही है। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। सरकार द्वारा स्थापित एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। नगर निगम द्वारा आश्रय गृहों में रहने वाले गरीब लोगों को वितरित किए गए ऊनी कपड़े हैं। राशन की दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न है। किसी राष्ट्र की सीमा की रक्षा के लिए तैनात किया गया रक्षा बल है। शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक पार्कों की स्थापना। कितने, कौन से एग्जाम, मतलब कौन से कथन इसमें सही है? 46 का, 46 में देखिए केवल तीन सही है, जिनमें पहला आपका सही है, सरकार द्वारा स्थापित अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। और ये दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें नगर निगम द्वारा आश्रय गृहों में रहने वाले गरीब लोगों को वितरित किए गए उन्हीं कपड़े, ये नहीं आते हैं। ये देखिए
नगर निगम द्वारा आश्रय गृह में गरीब लोगों को वितरित कपड़े, ऊनी कपड़े सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण नहीं है, और राशन की दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न ये भी नहीं है। और ये जो होता है चौथा जो है किसी राष्ट्र की सीमा की रक्षा की तैनात किया गया का बल, ये तो है। और चौथा छवां भी सही, शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक पार्कों की स्थापना, तो ये तीनों सही है। ठीक है, इतना, बाकी आधा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो जय हिंद, जय भारत।